हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या विजन है मेकर्स की फिल्म को लेकर? क्या फिल्म का स्पिन ऑफ भी देखने को मिलेगा? बॉलीवुड की पहली सुपर हीरो फिल्म यानी क्रश को आए मानो एक अरसा बीत गया हो। एक फिल्म से इंडियन सिनेमा के फैंस को काफी उम्मीद है और क्रश 3 के रिलीज के बाद ऑडियंस इसके फोर्थ पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर अभी तक इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। राकेश रोशन ने क्रश 4 को लेकर कहा है कि वो कर रहे हैं सही समय का इंतजार। जैसा कि हमने देखा कि बॉलीवुड की फिल्में ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं, ऐसे में राकेश रोशन सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब सिनेमा में फिर लोग आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो क्रिश 4 को एक वर्ल्ड क्लास फिल्म की लेवल पर बनाना चाहते हैं जो कि हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्मों को टक्कर दे सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में बात करें फिल्में हम OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देख सकते हैं, क्या चाइनीज़ और क्या इंडियन, यहाँ सब कुछ मिलेगा और लोग भी इन सभी फिल्मों का मज़ा ले रहे हैं। ऐसे में ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस का बार हो चुका है ऑल टाइम हाई। ज़रा सोचिए, जहाँ कंपटीशन सिर्फ रीजनल और नेशनल लेवल पर था, अब वो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच चुका है। यकीनन अगर आज के समय में कोई फिल्म आएगी तो जनता उसे देखने से पहले उसके बारे में सारी प्रोज एंड कॉन्स सर्च करेगी कि आखिर इस मूवी में अपना 2-3 घंटा देना वर्दी है या नहीं, या फिर क्या इसे बेहतर फिल्में अवेलेबल है, या फिर उससे भी बड़ा सवाल जो आजकल के हर ऑडियंस पूछ रही है, आखिर क्यों देखे ये मूवी? जस्ट बिकॉज ये मेरी फेवरेट हीरो की फिल्म है इसलिए मैं देखूँ इस फिल्म को, ये अब क्वेश्चनेबल लग रहा है लोगों को, जो कि सही भी है। अब बॉलीवुड भी समझ चुका है फेम गेम नहीं चलेगा, कुछ कंट्रोवर्सीज और फेम के नाम पर अब जनता वही घिसी पिटी मूवीज देखने नहीं आएगी, उन्हें ज़रूरत है सॉलिड कंटेंट और अच्छी फिल्मों की, नहीं तो इसी तरह फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर पिटती रहेंगी। और ये बात राकेश रोशन समझ चुके हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि हॉलीवुड के VFX और CGI को अगर मात देना है तो बड़े बजट की फिल्म लानी होगी, पर हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, बल्कि अभी वो कुछ हद तक सीमित है। जहां MCU और हॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में रिलीज होती हैं, वहीं बॉलीवुड की फिल्में कुछ गिने चुने देशों में ही रिलीज होती हैं इंटरनेशनल रिलीज के नाम पर। इसीलिए ये खतरा भी है कि अगर इंडियन ऑडियंस ये फिल्में सिनेमा घरों में देखने नहीं जाएगी तो शायद ही अच्छी कमाई नहीं कर पाएगी, इसीलिए राकेश रोशन कर रहे हैं एक अच्छे समय का इंतज़ार। इसके अलावा जब राकेश रोशन से फिल्म के सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब काफ़ी पॉजिटिव था। उन्होंने बताया कि बेशक वो इस फिल्म का सिनेमैटिक यूनिवर्स लाना पसंद करेंगे, और बात रही जादू और न्यू कैरेक्टर्स की तो इस बार क्रिश 4 में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। इससे ये तो पता चलता है कि हो सकता है हमें फ्यूचर में कई सारे स्पिन ऑफ्स देखने को मिले, सबसे खास जादू का स्पिन ऑफ देखने को मिले। आखिर एलियंस क्यों पृथ्वी पर आए थे और उनके पास और कौन से पावर्स है, वो क्या उसके बाद दोबारा कभी पृथ्वी पर आए थे, साथ ही अमानव और रोहित पर क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, रोहित ने कितने गैजेट्स बनाए, इन सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की तरफ इशारा कर रहा है क्रिश का सिनेमैटिक यूनिवर्स। वेल, क्रिश के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन से न्यू कैरेक्टर्स और कौन सी न्यू स्पिन ऑफ पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, इन सब की झलक हमें क्रिश 4 में देखने को मिलेगी। कि आप एक्साइटेड हैं जादू को फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए? कौन से न्यू कैरेक्टर्स को देखना चाहेंगे आप क्रिश के सिनेमैटिक यूनिवर्स में? दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में, हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। ये दुनिया